वाले हैं कि नींबू का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए नवरात्रि के समय। दोस्तों, आज हम आपको इस पर पूरा विश्लेषण देने वाले हैं, जिससे आप समझकर पी सकते हैं या नहीं पी सकते, ये आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करने वाला है। तो इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, तभी आप कोई निर्णय लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जब भी माँ तारानी के नवरात्रे शुरू करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें संकल्प लेना होता है। जैसे कि हम पहले ही नवरात्रे में, जब भी हम नवरात्रे का व्रत रख रहे हैं, जब भी आप रख रहे हैं, तो आपको किस इच्छा के लिए आप व्रत रख रहे हैं, ये आपको माँ के सामने संकल्प लेना होता है और फिर अपना व्रत शुरू करना होता है। उसी में ही दोस्तों, आपको ये भी कहना होता है अपने मन के अंदर कि आप एक समय का खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, या दोनों ही समय, या 9 नवरात्रे रखने वाले, जो भी चीज़ आप संकल्प लेकर नवरात्रि के व्रत शुरू करते हैं उसी हिसाब से आपको पूरा करना चाहिए पहले तो। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पानी की बात करें, जैसे डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, तो दोस्तों आप अगर नारियल का पानी 2 बार भी हफ्ते में 1 बार पी लेते हैं तो जो अच्छा रहता है। तो अगर आप 2 भी पी लेते हैं तो पूरे नवरात्रि में आपको कोई डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बीच में जब भी आपको प्यास लगे, आप पानी टाइम टाइम पर पीते रहे। अब दोस्तों, बात आती है नींबू पानी की। तो दोस्तों, कहा जाता है, हमने जैसे ये स्टडी करी है, बहुत सारी देखी है चीज़ें, वहाँ पर कई जगह पर ये भी वर्णन है कि नवरात्रि के दिन नींबू नहीं काटना चाहिए, मतलब नवरात्रि के समय, जिससे कि दोस्तों माँ प्रसन्न हो जाती है और दोस्तों आपको जो मन चाहे इच्छा वो फल नहीं प्राप्त होते। तो जब हम नींबू को काटने की मनाही देखते हैं तो तब दोस्तों हम उसे कैसे पी सकते हैं, यहाँ पर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाए। ये मैं इंटरनेट पर बहुत जगह पर ऐसा वर्णन है, वहाँ से जानकारी आपको बताइए। अब दोस्तों, अगर आप एक चीज़ सोचें कि जब हम, जैसे मान्यताएं हमारी है, जैसे अलग अलग, जैसे कि हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कार्य बनता है तो हम मीठा बांटते हैं, यानी कि खट्टी चीज़ हम नहीं देते, खट्टी चीज़ का हम परहेज करते हैं कि कहीं खटास ना पड़ जाए हमारे काम में। तो अगर हम वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिर हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने व्रत को पूर्ण करते हैं और किस आस्था, कितनी आस्था श्रद्धा से कर दें, ये जरूरी डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आई होप आप समझे हैं होंगे कि नींबू का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आप